एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th एंड 11th जुलाई के करेंट अफेयर्स, क्योंकि कल संडे था और संडे को हमारा करेंट अफेयर्स नहीं होता, लेकिन बाकी दिन हमारा करेंट अफेयर्स होता है मॉर्निंग 7। ठीक है, इसके अलावा आज एक इम्पॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। हम हर साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल जो थीम रखी गई है वो थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्डनिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट एंड चॉइस फॉर ऑल। तो काफ़ी बड़ी थीम है, तो इतनी बड़ी थीम एग्जाम में नहीं बनती है, तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो आज काफ़ी सारी न्यूज़ है, हम एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट में आपको रिविजन क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रही बात पीडीएफ की, कई सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा तो मैं उनको सलाह दूंगी, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लिखते चलिए जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए पहली न्यूज हम डिस्कस करते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2022। तो 2022 में भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में आयोजित होने हैं, इसमें किस भारतीय क्रिकेटर को स्पेशल गेस्ट के रूप में जो है वो बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। तो आपने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी होगी 83, क्योंकि हमें पता है हम 1983 में भारत को वर्ल्ड कप मिला था क्रिकेट में, और उस समय जो हमारे टीम के कप्तान थे वो कपिल देव थे। तो कपिल देव जी के ऊपर वो मूवी बनी हुई है 83। तो उसी मूवी के कॉन्ट्रीब्यूशन में या उनकी जो बायोपिक थी जिसके कारण गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में कपिल देव जी को बुलाया गया है। तो लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर कपिल देव हैज़ बीन इनवाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2022। और ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये विक्टोरियन कैपिटल में 12 से 20 अगस्त को होने हैं। ठीक है, इन पर्सन और वर्चुअली, मतलब फिजिकली भी लोग अपीयर होंगे इस फेस्टिवल में और वर्चुअली भी ये फेस्टिवल होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगले जो पर्सन है न्यूज़ में उनका नाम है पारितोष त्रिपाठी। पारितोष त्रिपाठी अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन बनेगा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, तो पारितोष त्रिपाठी जी को चुना गया है, और इनका जो टेन्योर है वो 5 जुलाई से इफेक्ट में आ गया है। इन्होंने पीसी कंडपाल जी को जो है वो रिप्लेस करा है। ठीक है, और पारितोष त्रिपाठी जी को 32 साल का 32 ईयर का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, और इन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट को भी सर्व किया है, इंक्लूडेड एमएसएमई डिपार्टमेंट। तो पारितोष त्रिपाठी का नाम आपको याद रखना है, इन्हें एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज में है वो है आर के गुप्ता। आर के गुप्ता जी का नाम सजेस्ट किया है, आर के गुप्ता जी को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट है आर के गुप्ता, जिन्हें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा, और ही कम इन द प्लेस ऑफ टी श्रीकांत। तो टी श्रीकांत जी की जगह आर के गुप्ता अब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। इलेक्शन कमीशन के बारे में सारे जो प्रोविजन है वो आपको आर्टिकल 324 में देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अनूप चंद पांडे जी हैं। तो हमने देखा कि आर के गुप्ता को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है जो कि टी श्रीकांत को रिप्लेस करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले जो पर्सन न्यूज़ में है वो है एल्बेरो लैरियो। तो एल्बेरो लैरियो को अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ IFAD। IFAD क्या होता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आप सभी को पता है जितने भी ये जो फंड हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इन सभी के हेड ऑफिस आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इटली रोम में देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे जो IFAD है, मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका हेड ऑफिस भी आपको इटली रोम में देखने को मिलेगा, और 1977 में इसको सेटअप किया गया था। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, एल्बेरो लैरियो को अपॉइंट किया गया है जो कि 7th नंबर के प्रेसिडेंट रहेंगे। इनका जो टेन्योर रहेगा वो 4 साल का रहेगा, और इफेक्ट में कब आएगा, 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से अपना कार्यकाल संभालेंगे आने वाले 4 सालों के लिए। अब IFAD क्या है, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ही है, जो कि पूरे देशों में फोकस एरिया इनके क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी और रूरल इकोनॉमी पे इनका फोकस एरिया होता है। ठीक है, तो IFAD का आपको हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो रोम इटली आपको याद रखना है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स के बारे में। देखिएगा अभी कोविड था और उसके कारण भी कई कई रीजन से काफ़ी लंबे समय से नेशनल गेम्स हो नहीं पाए हैं। मतलब आप ये मान के चलिए लगभग 7 सालों बाद नेशनल गेम हो रहा है। लास्ट टाइम नेशनल गेम जो है वो 2015 में हुए थे केरला में। लास्ट टाइम जो नेशनल गेम्स हुए थे ना, इसका प्रीवियस जो एडिशन आया था वो 2015 में केरला में हुआ था और फाइनली अब 7 सालों बाद यहाँ पर नेशनल गेम्स हो रहे हैं। और ये कौन सा एडिशन है? 36 नंबर का एडिशन है। सो 36 नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड इन गुजरात फ्रॉम सितंबर 27 टू अक्टूबर 10। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में नेशनल गेम्स कहाँ पर होने हैं? गुजरात में होने हैं। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ये बात डिक्लेयर की गई कि 36 नंबर के जो नेशनल गेम्स हैं वो गुजरात में होंगे सितंबर 27 से अक्टूबर 10 में ये होंगे और पहली बार गुजरात जो है इन नेशनल गेम्स को होस्ट करने जा रहा है। हालांकि जो हमारी इंडियन ओलंपिक कमेटी है, एसोसिएशन है, उनके द्वारा नाम दिया गया था गोवा का। और जब गोवा के मुख्यमंत्री से पूछा कि हम आपके यहाँ नेशनल गेम्स होस्ट करें, तो आप सभी को पता है कि अभी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, हर कहीं फ्लड आया हुआ है, तो गोवा जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है। तो जो गोवा के सीएम हैं उन्होंने कहा कि नहीं, गोवा के जो खेल मंत्रालय संभालते हैं, स्पोर्ट मिनिस्ट्री संभालते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रेनफॉल के कारण हम सितंबर में तो नेशनल गेम्स को होस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर दिसंबर आप बोलो तो दिसंबर में हम होस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से गोवा ने मना कर दिया और फिर इसलिए नेशनल गेम्स कौन होस्ट कर रहा है? गुजरात कर रहा है। और गुजरात पहली बार इन नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है। तो आपको याद रखना है 36 नंबर के नेशनल गेम्स है जो कि गुजरात में हो रहे हैं सितंबर 27 से अक्टूबर 10 के बीच में होंगे। और 2015 का जो लास्ट एडिशन हुआ था वो केरला में हुआ था। यहाँ पर जो नेशनल गेम हो रहा है इसमें 34 स्पोर्ट्स को खेला जाएगा, जिसमें आर्चरी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, जूडो, इनफैक्ट योगा भी इंक्लूड है। और 6 अलग अलग सिटीज़ में ये नेशनल गेम्स खेले जाएंगे। ठीक है, इसमें मलखम और योगा भी इंक्लूड है, इस बात को याद रखना है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब उन्होंने खेल महाकुंभ इनिशिएटिव की शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो आप गोवा के बारे में देख सकते हैं, आपको नेशनल गेम गोवा 2020 ऐसा करके मिलेगा। लेकिन ये बात सही है कि गोवा को बोला गया था, लेकिन गोवा में रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण इसे मना कर दिया गया। लास्ट टाइम भी जब नेशनल गेम 2008 की अगर हम बात करते हैं, तो गोवा को डेस्टिनेशन चुना गया था नेशनल गेम्स के लिए, लेकिन उस समय भी किसी रीज़न के कारण गोवा में नेशनल गेम नहीं हो पाए थे और इस बार भी इन्होंने मना किया। तो पार्टनर स्टेट के रूप में आप इसका नाम कहीं कहीं पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मानगढ़ हिलॉक। मानगढ़ की पहाड़ियाँ को एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अनाउंस किया गया है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ज़रा हम समझते हैं। मानगढ़ पहाड़ियाँ, तो मानगढ़ हिलॉक कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। किस ट्राइब्स से एसोसिएटेड है? तो भील ट्राइब से एसोसिएटेड है। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा मानगढ़ पहाड़ियों को, जो कि राजस्थान में है, इन्हें नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ इसका जो एसोसिएशन है वो 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर से है। तो 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर से एसोसिएशन जो है वो मानगढ़ की पहाड़ियों का है, जो कि राजस्थान में है। इन्हें नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा नेशनल इम्पॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अनाउंस किया गया है। अगर हम मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, तो कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट, कोई हिल है, कोई केव है, कोई इंस्क्रिप्शन है, तो इन सारी चीज़ों को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस घोषित किया जा सकता है अंडर द एक्ट ऑफ 1958। एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेंट एक्ट कितना कब आया था? 1958 में आया था। इसी के अंतर्गत किसी भी साइट को आप मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अनाउंस करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इन मॉन्यूमेंट के रख रखाव का काम, इनके मेंटेनेंस का काम करता है। अब थोड़ी सी बात अगर हम मानगढ़ की पहाड़ियों के बारे में करते हैं, तो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर है, लेकिन किसी एक स्टेट का नाम देना हो तो आप राजस्थान का नाम देंगे। तो यहाँ पे 1913 की घटना है, 1913, जैसे कि जलियांवाला बाग मैस्कर आपने सुना ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पीसफुल सभा चल रही थी और जनरल डायर ने आदेश दे दिया था कि गोली चला दो, कितने सारे लोग मारे गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी जो भील ट्राइब के लोग इस पहाड़ी में रहते हैं वो भी पीसफुल तरीके से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, समिट कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे और ऑर्डर दे दिए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गोली चलाने का, जिससे 1500 भील फ्रीडम फाइटर्स जो है वो शहीद हो गए थे, मारे गए थे। तो इसलिए इस पहाड़ी को जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट बनाने की बात की गई है। और ये जो घटना है 17 नवंबर 1913 की है, ठीक है ना, जैसे कि अप्रैल 1913 में जलियांवाला बाग था, 13 अप्रैल 1913, वैसे ये जो घटना है 17 नवंबर 1913 की घटना है। इसे आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ठीक है, आदिवासी जलियांवाला बाग। नेक्स्ट बात करते हैं करची फेस्टिवल। अब यहाँ पे
खार्ची या खर्ची जो वर्ड है दो शब्दों से मिलके बना है, जहाँ पे खार खार का मतलब होता है आपके पाप और ची का मतलब होता है उन पापों को सफाया, तो पापों की धुलाई, पापों का सफाया। पापों की सफाई करने के लिए आप भगवान की शरण में जाते हो, भगवान की प्रेयर करते हो, अपने अपने देवताओं की पूजा करते हो, तो उसी से एसोसिएटेड ये फेस्टिवल है खार्ची फेस्टिवल। तो खार्ची फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में 14 अलग अलग जो त्रिपुरी डायनेस्टी के देवता हैं उनकी सॉरी जो त्रिपुरा में अलग अलग 14 जो देवता हैं उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है खार्ची फेस्टिवल में, और काफ़ी पुराना फेस्टिवल है जो त्रिपुरी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो 14 गॉड हैं, 14 जो टेम्पल हैं वो महाराजा कृष्ण माणिक्य के समय पर बनाए गए थे। ठीक है, और बहुत ही ओल्ड फेस्टिवल है, लगभग 1760 AD से ये फेस्टिवल जो है त्रिपुरा के लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। तो खार्ची फेस्टिवल कहाँ का है? त्रिपुरा से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं द लॉन्गेस्ट स्काई वॉक और फ्रॉम द खार रोड रेलवे स्टेशन टू द नियर बाय बैंड्रा टर्मिनल हैज़ बीन ओपन फॉर द पैसेंजर टू रीच द प्लेटफॉर्म टू बोर्ड ट्रेन इजिली। तो वेस्टर्न रेलवे में अगर आप बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक खारघर स्टेशन है, खार है, और एक है बांद्रा टर्मिनल। तो खारघर से जो रेलवे स्टेशन है उसको बांद्रा टर्मिनल से जोड़ा गया है एक स्काई वॉक के ज़रिए। ठीक है, क्योंकि मुंबई में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो जो सुविधा प्रोवाइड करने के लिए ये पूरा स्काई वॉक बनाया गया है, जो कि लॉन्गेस्ट स्काई वॉक है। लगभग 314 मीटर लंबा है और 4.4 मीटर ये चौड़ा है, ब्रिथ में है। द प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग द टू स्टेशन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर प्लेटफॉर्म ऑफ बांद्रा टर्मिनल स्टेशन। वेस्टर्न रेलवे नोटेड द स्काई वॉक विल अलाउ पैसेंजर टू रीच बांद्रा टर्मिनल डायरेक्टेड बाय द डी बोर्डिंग एट खार स्टेशन एंड टेकिंग साउथ फुट ओवर ब्रिज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंडियन एनुअल हेल्थ मीट 2022 हेल्ड इन विच सिटी। तो हमारे जो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने किस शहर में भारत का पहला एनिमल हेल्थ समिट आयोजित किया? तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। इंडियन एनिमल हेल्थ समिट 2022 ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये पूरा फेस्टिवल आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू इट्स रिफ्यूजी हु हैड फ्लीड द कंट्री ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, तो बहुत सारे देशों से लोग रिफ्यूजी मतलब एक देश को छोड़ के दूसरे देश में शरण लेने के लिए गए थे। तो ऐसे ही एक देश था जहाँ के रिफ्यूजीज भारत में आए थे, और भारत की रॉयल फैमिलीज जो उस समय हुआ करती थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उन्होंने उन रिफ्यूजीज को शरण दी थी, शेल्टर प्रोवाइड की थी। इसलिए उन रॉयल फैमिलीज़ को ऑनर करने के लिए एक एक कॉन्फ्रेंस या एक कह सकते हैं इवेंट को आयोजित किया है किस देश ने? आंसर हो जाएगा पोलैंड। तो हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश छोड़कर भागे अपने रिफ्यूजीज को आश्रय देने के लिए भारत की रॉयल फैमिली को सम्मान दिया है? तो आंसर हो जाएगा पोलैंड। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पोलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा जो जामनगर और कोल्हापुर के राजा हैं रॉयल फैमिलीज़ थी, तो उन्हें सम्मान यहाँ पे दिया गया, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत यूनियन से बहुत सारे रिफ्यूजीज मतलब सोवियत यूनियन का डिवाइडेशन हो गया और पोलैंड जैसे कई सारे राज्य बने, कई सारे देश जो है वो बने थे। तो उस समय बहुत सारे जो लोग थे पोलैंड के वो रिफ्यूजीज बन के कहाँ चले गए थे? भारत में आ गए थे, और भारत की रॉयल फैमिली जामनगर और कोल्हापुर की, तो उन लोगों ने इन्हें शेल्टर दी थी। इसलिए यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन लोगों को सम्मान करने के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन है रॉयल फैमिली का जो कि जिसमें है युवराज संभाजी राजे और संयोगिता राजे छत्रपति ऑफ कोल्हापुर और जामनगर के भी रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्हें पोलैंड भेजा जा रहा है, जिससे पोलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा इनको सम्मान किया जाएगा। तो पोलैंड आप देख सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको कंट्री मिलेगी पोलैंड, जिसकी कैपिटल वर्सा है। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, तो एक तरफ से जर्मनी अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ से यूएसएसआर का अटैक था, यूएसएसआर का डिवाइडेशन हो गया था, तो तब उस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत की तरफ भागे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेम द ऑथर ऑफ बुक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। तो गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस पुस्तक की ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑथर का नाम है प्रार्थना बत्रा, और प्रार्थना बत्रा जो है एक यूट्यूबर है। ठीक है,
एक यूट्यूबर है और इनकी बुक को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक के द्वारा इनकी बुक को लॉन्च किया गया है। प्रार्थना बत्रा जो है एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जिसका नाम है पावर पीपल एंड प्रार्थना। ठीक है, बेसिकली व्यूमेन एम्पावरमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी में जो व्यूमेंस की अपॉर्चुनिटी के लिए, एनिमल राइट्स के लिए ये काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पीएम अटेंड्स द फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा पहला अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर को अटेंड किया गया, और ये कहाँ पर उन्होंने अटेंड किया? तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में अटेंड किया गया। ठीक है, अब इस लेक्चर को डिलीवर कौन कर रहा था? तो इस लेक्चर को डिलीवर कर रहे थे मिस्टर थर्मन शानमुग रत्नम, जो कि एक सीनियर मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के। उनके द्वारा ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा था। इस लेक्चर में बताया जा रहा था कि जब अरुण जेटली जी हमारे भारत में मंत्री के रूप में थे, पॉलिटिकल करियर की बात कर रहे हैं उनके, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को संभाल रहे थे, कॉरपोरेट अफेयर्स को संभाल रहे थे, तो उस तरीके से भारत के लिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में, मतलब अरुण जेटली जी के बारे में इस लेक्चर में डिलीवर किया जा रहा था। और प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इस लेक्चर को अटेंड किया गया। इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस लेक्चर को तैयार किया गया था। अगर हम अरुण जेटली जी की बात करते हैं तो एक इंडियन पॉलिटिशियन है रहे हैं। इन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर 2014 से 19 के बीच में सर्व किया है। तो अरुण जेटली जी के बारे में आपको पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, जियो पोर्टल फॉर एनसीआर मेड पब्लिक, परिमन लॉन्च्ड। तो हालांकि परिमन को कोई आज लॉन्च नहीं किया है, परिमन जो एप्लीकेशन है वो एनसीआर रीजन में लॉन्च की गई थी, और ये अगस्त में 2021 में अगस्त में लॉन्च की गई थी। ठीक है, अभी रिसेंटली इसकी 40 मीटिंग हो रही है, 40th नंबर की, 40वें नंबर की इसकी मीटिंग हो रही है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी और चेयरमैन जो हैं दिल्ली एनसीआर रीजन के एनसीआरपीबी के, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स यहाँ पे शामिल हैं। बेसिकली दिल्ली एनसीआर रीजन काम कैसे कर रहा है? इसकी रिमोट सेंसिंग करनी, इसकी इमेजिंग करनी, डेवलपमेंट के काम देखने, प्लानिंग और मेजरमेंट मैनेजमेंट की बातें यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा एक जियो पोर्टल फॉर एनसीआर रीजन तैयार किया गया है जिसका नाम है परिमान, जिसके अंतर्गत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है रिमोट सेंसिंग का। और यहाँ पर ये पूरा इनिशियली इसको यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के द्वारा, जिसमें इट विल हेल्प टू इंप्रूव डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन द एनसीआर रीजन। और अभी ये लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है एनसीआर के कवर करता है, लगभग 24 जिलों को ये कवर करता है परिमान। ठीक है, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल मिशन क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज 8th एडिशन ऑफ इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स। तो गंगा रिवर को आपको पता है लगातार क्लीनिंग करने की बात होती है, नमामि गंगा जैसे कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो अभी गंगा रिवर को फिर से क्लीनिंग की बात, इसके पुनरुद्धार की बात की जा रही है। तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा 8th एडिशन ऑफ वेबिनार सीरीज शुरू की गई है जिसका नाम है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजुविनेटिंग रिवर्स, और जिसकी थीम रखी गई है अफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्लांटेशन करना नदियों के किनारे। टू एम क्या है? टू कनेक्ट विद द यूथ ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ गंगा। तो गंगा रिवर के पुनरुद्धार से, उसकी क्लीनिंग से, उसके उसमें जो पॉल्यूशन हो रहा है, क्या मेजर कंसर्न है, उसके बारे में यूथ को बताने के लिए। अगर हम नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसको जून 2014 में लॉन्च किया गया था, और लगभग 20,000 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो ये आज के हमारे करेंट अफेयर्स से। अब हम बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। कई सारी और भी न्यूज़ है जो हम कल देख लेंगे, जैसे कि एलन मस्क ने जो ट्विटर की डील हुई थी, याद आ गया, वो कैंसिल कर दी है, हम देख लेंगे। तो आगे कई सारी न्यूज़ है जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ बिल लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बन गया है? सो हमने देखा था, आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अप्रूव्ड HDFC, ICICI एंड एक्सिस बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस इन ओवरसीज प्रोक्योरमेंट। तो दूसरे देशों के साथ जो हम डिफेंस रिलेटेड हार्डवेयर्स खरीदते हैं, उसके लिए HDFC, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक को अप्रूवल दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑब्वियसली डिफेंस इक्विपमेंट की बात हो रही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द महोत्सव दैट विल बी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एट तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो कौन सा फेस्टिवल है? हरियाली महोत्सव, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को किस देश के द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो G20 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इंडोनेशिया होस्ट कर रही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस बैंक के साथ
केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक पार्टनरशिप की है फॉर डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स. सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है कंजर्वेशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूट. तो भारत को इस पैनल में चुन लिया गया है 2022 से 26 के लिए, किसके अंदर काम करता है, तो ये यूनेस्को के अंदर काम करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर यूटी सेट टू होस्ट इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सिटी वाइज शॉपिंग फेस्टिवल. तो सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ लगने वाला है, आंसर हो जाएगा दिल्ली में, जनवरी में लगेगा, ठीक है, 2023 में. नेक्स्ट बात करते हैं वॉट इज़ द नेम ऑफ सिंगल रिपोजिटरी ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट टू बी शेयर विद द वर्ल्ड. तो यहाँ पर देखिए डिजिटल वीक हम सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर एक पोर्टल शुरू किया जिसमें जितने भी आधार कार्ड और जितनी भी चीज़ें सब कुछ लिंक होंगे, सब एक ही प्लेटफॉर्म से शेयर हो जाएगा. इस तरीके से एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है, इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल. मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था. नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा मानगढ़ हिलॉक को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है. कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमें पता है राजस्थान में है. किस ट्राइब से एसोसिएटेड है, तो भील ट्राइब से एसोसिएटेड है. ये क्वेश्चन ऑफ द डे है. रिसेंटली आपको पता है जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनका निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है. इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब पद्म विभूषण दिया गया था, 18, 2019, 2020 या 2021, जो भी आंसर होगा कमेंट में दीजिएगा. अब हम बात करते हैं स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में. स्टैटिक में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है. पहला क्वेश्चन है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी गुजरात में. बराक वैली, बराक वैली कहाँ है, तो बराक रिवर बराक वैली कहाँ है, आसाम में, सॉरी आसाम में है. नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं पडियाइनी इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो पडियाइनी जो है वो कहाँ का है डांस फॉर्म, केरला से है. भोज राजा भोज से है एसोसिएटेड, तो भोज वेटलैंड कहाँ पर है, तो भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, ठीक है. भोजताल भोपाल है ना, आपने सुना होगा. नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है, तो नवाबों का शहर है लखनऊ, और लखनऊ कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश में ही आपको नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी देखने को मिलेगी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी कंट्रीज ओपेक, तो ओपेक का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो हम सभी को पता है ओपेक का हेड ऑफिस वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है. नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी इस बुक के ऑथर कौन है, तो आंसर हो जाएगा सगारिका घोष जो है उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी बुक को लिखा है. रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क करेंगे. रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में, ठीक है. तो ये कुछ हमारे आज के स्टैटिक पॉइंट्स थे. अब अंत में एक क्वेश्चन है आपके लिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि थिवाइट्स ग्लेशियर कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप, ठीक है. इसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा. थैंक यू, टेक केयर.